आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रॉयल्टी। ये आप लोगों के एमकॉम में सेकेंड सेमेस्टर में है, कोर्स में रॉयल्टी चैप्टर, पूरे फोर्थ यूनिट का ये अकेला आपका चैप्टर है रॉयल्टी, एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर वालों के। तो ये रॉयल्टी होता क्या सर? रॉयल्टी मतलब कि कोई भी अपन किसी की माइंस या कोई कॉपीराइट या कोई पेटेंट राइट, इन सबसे रिलेटेड ही होता है रॉयल्टी वर्ड। कोई माइंस है, कॉपीराइट है, पेटेंट राइट है, इनसे रिलेटेड होता है। जैसे हम किसी का माइंस यूज कर रहे हैं, हमने किसी की माइंस को लीज पे लिया, तो हम उसके ओनर को, उसके मालिक को, उसके बदले में जो अमाउंट पे करेंगे, उसका जो माइंस हम यूज कर रहे हैं, उससे जो हम मटेरियल जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसके बदले में उसके ओनर को जो भी अमाउंट पे करेंगे वही कहलाता है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी जो है हम माइंस से रिलेटेड भी हो सकता है, पे कर सकते हैं किसी से, कोई कॉपीराइट लिए हैं, कोई पेटेंट राइट लिए हैं, तो इन सब चीज से रिलेटेड हो सकता है रॉयल्टी। माइंस से रिलेटेड रॉयल्टी जो सबसे ज्यादा यूज होता है, तो इससे रिलेटेड कुछ मेन वर्ड रॉयल्टी से रिलेटेड जो पूरे चैप्टर में आपको यूज होंगे, जैसे मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट क्या होता है कि जब हम किसी से कोई माइंस लीज पे लेते हैं, तो मिनिमम यानी कम से कम हमको उसके लिए जो अमाउंट पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप प्रोडक्शन उस लीज पे, उस लीज की जमीन पे करें या ना करें, जो कम से कम आपको जो अमाउंट पे करना ही पड़ेगा उसको बोलते हैं मिनिमम रेंट। आपने किसी से कोई जमीन माइंस लीज पे ली, अब उसने आपको बोल दिया कि भाई कम से कम आपको 10,000 रुपए पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें, तो वो 10,000 हो गया मिनिमम रेंट। यदि आपने प्रोडक्शन कम किया है, रॉयल्टी कम हो रही है, तो आपको कम से कम वो मिनिमम रेंट के बराबर को पैसा देना ही पड़ेगा। उससे कम कोई भी हालत में आपसे, उसका ओनर जिसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं, वो उससे कम आपसे अमाउंट नहीं लेगा, उसको बोलते हैं मिनिमम रेंट। एक होता है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग मतलब, शॉर्ट वर्किंग तभी होता है जब हमारी रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट से कम है, यानी कि रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट ज्यादा है। आप अमाउंट ज्यादा पे कर रहे हो लैंडलॉर्ड को, जो उस जमीन के मालिक को, और आपका रॉयल्टी कम हुआ है। तो ये देखिए कि मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज इक्वल टू होता है शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग कब होगा? जब मिनिमम रेंट ज्यादा है, रॉयल्टी कम है। आपने प्रोडक्शन कम किया, रॉयल्टी कम बनी, रॉयल्टी मान लो 8,000 रुपीज ही बन रहा है, लेकिन आपका एग्रीमेंट हुआ है कि भाई मिनिमम रेंट कम से कम 10,000, 10,000 देना ही पड़ेगा, तो मिनिमम रेंट 10,000 आपका और रॉयल्टी है 8,000, तो 10,000 आपको देना ही पड़ेगा। तो जो डिफरेंस है दोनों का, 10,000 माइनस 8,000, वही डिफरेंस कहलाएगा शॉर्ट वर्किंग। तो जिस पर्सन ने ये लीज लिया है, उसके लिए ये जो डिफरेंस है 8,000 का, तो उसके लिए क्या होगा? 2,000 का जो डिफरेंस, वो कहलाएगा शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या हुआ? तो शॉर्ट वर्किंग का मतलब जब मिनिमम रेंट ज्यादा हो, रॉयल्टी कम हो, तो जो डिफरेंस होता है वही शॉर्ट वर्किंग होता है। और ये शॉर्ट वर्किंग लीज लेने वाले व्यक्ति के लिए क्या है? लॉस। उसके लिए लॉस है ही, क्योंकि उसको तो 10,000 रुपए देना पड़ रहा है, जबकि उसका रॉयल्टी 8,000 बनता है, 2,000 ज्यादा देना पड़ रहा है, वो उसके लिए लॉस हो गया शॉर्ट वर्किंग लीज लेने वाले व्यक्ति के लिए। और उसके बाद होता है सरप्लस। ये सरप्लस क्या है? सरप्लस का मतलब क्या? शॉर्ट वर्किंग का उल्टा, शॉर्ट वर्किंग का रिवर्स, कि जब रॉयल्टी ज्यादा और मिनिमम रेंट
कम, यानी कि रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। तो रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, इन दोनों का डिफरेंस हो गया सरप्लस। तो सरप्लस मतलब रॉयल्टी ज्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, तो आपको तो रॉयल्टी पे करना पड़ेगा उसके मालिक को। लेकिन कभी कभी इस सरप्लस का आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। आपने यदि लीच लिया है तो आपको जो ऊपर में लॉस हुआ था ये शॉर्ट वर्किंग, उस लॉस को इससे सरप्लस से कवर भी कर सकते हैं। उसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग रिकवर। आपको अभी देखिए डिटेल बता रहा हूँ इसका, कि ये जो शॉर्ट वर्किंग रिकवर, तो शॉर्ट वर्किंग रिकवर का मतलब क्या होता है कि आपका, इसको पहले समझ लीजिए अच्छे से, शॉर्ट वर्किंग रिकवर का मतलब क्या होगा कि आपका मिनिमम रेंट ज्यादा था, रॉयल्टी कम थी, जिसके कारण आपको लॉस हुआ, वो लॉस हो गया शॉर्ट वर्किंग। लेकिन जब रॉयल्टी ज्यादा है और मिनिमम रेंट कम है, सरप्लस होता है, उस सरप्लस से आप अपने उस लॉस को, शॉर्ट वर्किंग के लॉस को कवर कर सकते हैं। यदि आपके बीच, आप यदि लेजी है, लेजी मतलब आपने लीज लिया है, तो लेजी और लैंडलॉर्ड दोनों के बीच यदि कोई एग्रीमेंट हुआ है कि भाई आपने उस पुराने लॉस को इस सरप्लस से आपस सेट ऑफ कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिकूप करने, तो रिकूप कर सकते हैं, तो फिर वो शॉर्ट वर्किंग रिकूप कराएगा। आप अपना उस लॉस को कवर कर सकते हैं जितना आपको सरप्लस हुआ है, सरप्लस से ज्यादा तो नहीं कर सकते, सरप्लस जितना हुआ उतना कर सकते हैं, या फिर जो एग्रीमेंट हुआ है आपका लैंडलॉर्ड के साथ उस लिमिट तक बस आप शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग रिकूप। लेकिन शॉर्ट वर्किंग तभी रिकूप कर पाएंगे जब आपका लैंडलॉर्ड के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप। शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप मतलब, अनरिकूप का मतलब क्या हुआ कि आपको, आपको जो शॉर्ट वर्किंग हुआ था और वो शॉर्ट वर्किंग आप रिकूप नहीं कर पाए, या आपके और लैंडलॉर्ड के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि भाई आप अपने उस लॉस को कवर कर सकते हैं, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो जो आपका शॉर्ट वर्किंग हुआ था वो आप रिकूप नहीं कर पा रहे, या कम रिकूप हुआ है, तो बाकी जो बच गया है वो सब अनरिकूप कहलाता है, वो आपका परमानेंट लॉस हो गया और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम अपने शॉर्ट वर्किंग को लॉस, और शॉर्ट वर्किंग कब होगा, जब हमारी रॉयल्टी कम थी और मिनिमम रेंट ज्यादा था, तो हमको जो ये लॉस हुआ था वो शॉर्ट वर्किंग था, उसको जब हम रिकूप कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने, जब वो हमारा कवर हो जाता है। और जब वो हमारा कवर नहीं हो पाता है या कम कवर हुआ, तो बाकी बचा हुआ जो अमाउंट कवर नहीं हो पाया, उस शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट को जो कवर नहीं हो पाया, उसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप। ये सब वर्ड जो है इस पूरे चैप्टर में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये सब आपके यूज होंगे। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक वर्ड लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड ये देखिए, जो उस माइंस का ओनर है, जिससे आपने उस जमीन को लीज पे लिया है, माइंस को लीज पे लिया, जो उसका मालिक है, ओनर, वही कहलाता है लैंडलॉर्ड। और एक वर्ड है लेजी। यदि आपने किसी से कोई माइंस लीज पे लिए, रेंट पे लिए, तो आप कहलाएंगे लेजी, और जिससे आपने लिया है वो कहलाएगा लैंडलॉर्ड। तो ये आपके जो मेन मेन वर्ड जो इसमें पूरा हमेशा यूज होगा, इस वर्ड को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद फिर
इसमें रॉयल्टी से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजेक्शन किए जाते हैं बुक में। लैंडलॉर्ड की बुक में अलग ट्रांजेक्शन होते हैं और लेजी की बुक में अलग ट्रांजेक्शन होते हैं। तो इसके ट्रांजेक्शन को जो जर्नल एंट्री होती है उसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग अगला वीडियो वेट कीजिए, वो भी आपका बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।